हमारे देश के अंदर नैरो गेज ट्रेन्स कई सारे रूट्स पे चलती है और कुछ रूट्स पर तो हमें मीटर गेज ट्रेन्स भी देखने मिलती थी, लेकिन ये देखने मिल रहा है कि भारतीय रेलवे पिछले कुछ समय से कम्प्लीटली इन नैरो गेज ट्रेन्स को कन्वर्ट कर रही है ब्रॉड गेज सेक्शंस के अंदर, वही ब्रॉड गेज सेक्शन जो ज्यादातर रेलवे का हिस्सा है। लेकिन ये चीज अचानक से करने की जरूरत क्या पड़ रही है रेलवे को, और अगर ये करना ही था तो अंग्रेजों ने भी क्यों ही बनाया था ये नैरो गेज एंड मीटर गेज सिस्टम, आज इन्हीं कारणों के बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था भारत में रेलवे बनाने का, इन कारणों को समझने के लिए। और सिंपल सा बात है, पैसे कमाना, एरिया को एक्सप्लोइट करना। रेलवे नहीं बनाई गई थी पैसेंजर्स को सर्व करने के हिसाब से, इंडियंस को एक से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। जहाँ पे प्रोड्यूस माल बनता है, रॉ मटेरियल स्पेशली, वहां से लेकर बंदरगाहों तक ले जाने के लिए या उनकी फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए ये ट्रेन बने थे। फैक्ट्रीज भी इतने नहीं थे, ज्यादातर तो बस एक्सपोर्ट के हिसाब से ये बनाई जाती थी, और इसलिए पैसेंजर का कम्फर्ट ये प्रायोरिटी नहीं होती थी किसी भी ब्रिटिश रेल लाइन के लिए। कैपेसिटी जरूर एक बड़ा हिस्सा होता था इनके सोच विचार का, लेकिन पैसेंजर ट्रेन कितनी चल पाएगी, कैसे चल पाएगी, कितने कैपेसिटी के साथ चल पाएगी, वो जरूरी नहीं था। इसकी वजह से दिक्कत थी कि देश के अंदर कई सारे प्राइवेट रेल कंपनीज इन ट्रेन को चला रहे थे और साथ साथ बना भी रहे थे इनके ट्रैक्स, तो पैसा भी इनके लिए बड़ा कंसर्न था। ये अब तक सरकारी सिस्टम्स नहीं थे, हालांकि कुछ गारंटी सिस्टम्स थे गवर्नमेंट की तरफ से लॉसेस होने के बाद, लेकिन फंडिंग इनको अपने आप से करनी थी। जहां पर पॉसिबल था वहां पर तो ब्रिटिशर्स ने बड़े बड़े ब्रॉडगेज ट्रैक्स बना दिए ताकि यहाँ पर इजीली हम ज्यादा से ज्यादा माल ढो सके। लेकिन जब पहाड़ी एरिया की बात आती थी तो वहां पर ब्रॉड गेज ट्रेन्स बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ऐसा क्यों? दोस्तों जो चौड़ी पटरियां होती है उनमें अगर आपको ट्रेन को टर्न करवाना है तो आपको जो रेडियस होता है वो काफी ज्यादा रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा जमीन, ज्यादा ट्रैक्स और ज्यादा डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन बनता है। वहीं पर नैरो गेज ट्रैक्स जो होते हैं वो एक तिहाई या 1/3 रेडियस के अंदर ही सिमिलर टर्न ले सकते हैं, और स्पेशली पहाड़ी एरियाज की हम बात करें तो वहां पर इतनी जमीन तक होती नहीं है कि ब्रॉड गेज अगर बनाना है तो वो टर्न्स ले सके। याद रखना है कि ये वो जमाना है जब टनलिंग टेक्नोलॉजी काफी पीछे थी, और बनती भी अगर थी तो ये सालों का समय लेती थी, काफी एक्सपेंसिव होती थी। तो यहाँ पर टर्न्स करवा के ही ट्रैक्स को बनाना ज्यादा बेनिफिशियल होता था ज्यादा सेक्शन में, और पहाड़ी एरियाज के अंदर इसीलिए नैरो गेज लाइंस को चुना गया क्योंकि ये कम जगह में सस्ती कीमतों पे कम मटेरियल के साथ बनती थी, और जितना सामान ढुलाई की कैपेसिटी इसकी थी वो इनफ थी इन रीजन्स के लिए। नीचे जाकर ये किसी न किसी ब्रॉड गेज लाइन को मिल जाती। लेकिन कुछ सेक्शंस पर जहां पे हमारे रॉयल्टीज ने रेलवे बनाई वो उन्होंने स्टैंडर्ड गेज पे बना दी या मीटर गेज पे बना दी, जो काइंड ऑफ प्राइवेट ही चलती थी और रेलवे के पूरे सिस्टम में इंटीग्रेटेड नहीं थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो प्रायोरिटी शिफ्ट हुई, हम पैसेंजर सेंट्रिक रेलवे बन गए, और धीरे धीरे जरूरत ये होने लगी कि कई इंपॉर्टेंट छोटे सेक्शंस जो नैरो गेज ट्रेन वगैरह के हैं उनको मेन लाइन के साथ में इंटीग्रेट किया जा सके। अब यहाँ पे गेज अलग है तो कोच अलग, लोकोमोटिव अलग, मेंटेनेंस अलग, सिग्नलिंग तक अलग होता है कुछ सेक्शंस के अंदर, तो इनको नॉर्मल रेलवे में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं था। और इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया कि इनको अब ब्रॉड गेज में हम कन्वर्ट कर देंगे। आज वो टेक्नोलॉजी है कि हम ब्रॉड गेज ट्रेन बनाए, हमारे पास में पैसा भी है, प्रायोरिटीज हमारी अलग है पैसेंजर्स के हिसाब से ना कि फ्रेट के हिसाब से, और कई ऐसे सिस्टम्स को चेंज हम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे नैरो गेज रूट चले जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे रूट्स भी बनाए थे जो माल वाहतुक से ज्यादा जो है इनको काम आते थे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने के लिए या कहे तो ठंडी जगहों पे जाने के लिए, और कुछ प्लेसेस ऐसे थे जो इंडस्ट्री के हिसाब से बने तो थे लेकिन आज वो टूरिस्ट प्लेसेस बन गए हैं, चाहे दार्जिलिंग हो, मैसूर हो या माथेरान। ये रूट्स तो है वो नैरो गेज ही रहेंगे, यहाँ पर आगे जगह हाइड्रोजन लोकोमोटिव्स भी चलने वाले हैं, लेकिन ये रूट जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट भी पैसेंजर बहुत कम सर्व करते हैं और ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर काम आते हैं। कई अलग रूट जैसे बिल्लीमोरा लाइन वगैरह, ये रूट्स एक्चुअली पैसेंजर डिमांड को केटर करते हैं और इनको ब्रॉड गेज में स्लोली कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और कई ऐसे रूट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काम कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हमें हमारे सोशल नेटवर्क्स पर फॉलो कर सकते हो, और आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।